हरदा में कथा वाचिका जया किशोरी की श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। श्रीमद् भागवत कथा में जया किशोरी ट्यूटर बनी तो वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल विद्यार्थी बने हैं। मां नर्मदा के नाभिकुंड के पास स्थित हरदा में विश्व विख्यात कथा वाचिका जया किशोरी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा 7 दिसंबर से शुरू हो गई है, जिसका समापन 13 दिसंबर मंगलवार को कन्या विवाह समारोह के साथ सम्पन्न होगा। कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल और उनके परिवार के द्वारा इस श्रीमद् भागवत कथा का धार्मिक आयोजन किया गया है। कथा शुरू होने से पूर्व हरदा नगर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष बच्चे शामिल हुए। कथा के पहले दिन कथा वाचिका जया किशोरी एक ट्विटर की मुद्रा में नजर आई। उन्होंने व्यास पीठ से कथा का श्रवण कर रहे सभी लोगों को होमवर्क दे डाला, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल भी शामिल रहे। जया किशोरी ने व्यास पीठ से कथा का सदुपयोग करने की समझाइश देते हुए कहा कि जैसे आप अपने बच्चों को ट्यूटर के पास ट्यूशन के लिए भेजते हैं, तो ट्यूशन के बाद बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, ऐसे ही इस कथा के प्रतिदिन आप सबको होमवर्क दिया जाएगा। आपको कथा को अच्छे से सुनना है, घर पर उसका चिंतन करना है। दूसरे दिन की कथा में जब आप आएंगे तो आपके होमवर्क को चेक किया जाएगा। अगर आपने अपना होमवर्क चेक नहीं करवाया तो दूसरे दिन की कथा आरंभ नहीं होगी, इसलिए जरूरी है कि आप सब होमवर्क करके आएं। तो इसीलिए पूरा सदुपयोग करना है। तो सदुपयोग कैसे करेंगे? अब जैसे जब आप बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, है ना, और यहाँ पर भी कई होंगे जो टीचर से जब आप पढ़ने जाते हैं तो ट्यूशन के बाद आपको क्या दिया जाता है, जोर से कहिए, होमवर्क। तो यहां भी आपको रोजाना होमवर्क दिया जाएगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको कथा एक तो पहले अच्छे से सुननी है, फिर घर जाके उसका चिंतन करना है। क्यों करना है कि जब आप दूसरे दिन आएंगे तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई, और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बता देते तब तक उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। वही दूसरे दिन कथा शुरू हुई, जिसमें मंत्री कमल पटेल और उनका परिवार शामिल रहा। श्रीमद् भागवत कथा पर प्रकाश डालते हुए कथा वाचिका जया किशोरी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति रस का मिश्रण न हो तो कथा में आनंद की प्राप्ति संभव नहीं होगी, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति रस की प्रधानता है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें भगवान शिव बने संदीप पटेल, वहीं माता पार्वती बनी श्रीमती अमृता संदीप पटेल। इसमें विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव की बारात में मंत्री कमल पटेल झूमते गाते नजर आए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।